हाँ सर भाई बोलिए जी भाई बोले। नहीं आप कुछ कह रहे थे कि आपको रॉन्ग नंबर से कॉलें आ रही थी, तो नहीं आपने कुछ कहा था, वो नंबर बताएंगे आप मुझे? नहीं क्यों यार, अभी तो नहीं बना, अभी यार ग्रुप में प्रोग्राम डायरेक्टर रहा है इनको भाई, ग्रुप में यार ये चीज़ें तो नहीं डाले। नहीं ये क्यों नहीं डाले यार, शोहरत की भूख भूख नहीं है क्या आपको? अभी नहीं, अभी उसको ये बोला। चलो हम दोनों डिस्कस करते हैं, करते हैं कितनी बार पर डिस्कस, उसको नहीं हो उससे ये बोलो अभी नहीं है, कराची कराची से। ओके ओके सही, आप कराची से बाहर हो फाइन, चलो बाहर जो भी करा देना खत्म ही पर सही करा, कराची से बाहर है। ओके और क्या है और बताइए, कदल नहीं आ रही अब बोलो फलस्तीन के बारे में बात करते हैं, क्या हो रहा है मतलब ये क्या सलूशन है? मुसलमान बेचारे शुरू से भुगतते हैं और अभी भुगत ही रहे तो मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे भाई हमारे साथ बुरा ही होना है या हमें रिएक्ट करना चाहिए? ये चीज़ें होंगी तो जब ही क्यामत ज़्यादा करीब क्या हो रहे हैं तो मतलब यही आप बेगुनाहों का फोन और बेचार की बेबसी या कयामत की तरफ ले जाने की निशानी, मतलब ये होगा तो कयामत आएगी, मतलब कि अच्छी चीज़ पर कयामत होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई सीखने वाला नहीं होगा। और 57 मुल्कों की ज्वाइंट फोर्स है, नहीं वो सब बेकार है ना, वो मतलब ये है कि मुसलमानों के लिए कोई भी अच्छा नहीं है, मुसलमान कंट्री नहीं बोल रही तो वो कौन, इनको क्या दिक्कत? लेकिन आप देखें ना आयरलैंड की पार्लियामेंट में बकायदा उनको फेवर किया गया है, आयरिश पार्लियामेंट में नंबर एक। वो तो मैंने सुना है कि कई जगह पे हुआ है, लेकिन नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो, तो वहाँ की आवाम आवाम के चक्कर में सपोर्ट कर रहे हैं ना, वरना अगर उनके अगर गवर्नमेंट देखें तो वो कुछ सपोर्ट करते हैं, आवाम की हद तक सपोर्ट है। जो हुकूमती मामला हैं मुख्तलिफ ममालिक के वो जकड़े हैं जी हाँ, और कई जगह कहीं ना कहीं हम बदायर तो नज़र यही आ रहा है। और उनके मसाइल देख के कि हर दूसरा तीसरा फ्लैट जो है बम गिरता है और मसमार हो जाते हैं, सैकड़ों लाशें होती हैं उसके नीचे, हमारे एक फ्लैट में आग लगी हम परेशान हो गए, अब वहाँ हर दूसरी तीसरी इमारत की फ्लैट की यही कहानी है। तो मुझे तो ये लगता है कि मैंने जब उनके मसले देखे तो पाकिस्तान के सारे मसले फेक हैं, सारे मसले टमाटर अंडे हमारी सही उधर हैं, हम सुन रहे हैं वहाँ का मुवाजना नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ रोज करबला है मेरे साथ, और आप सब कूफा वाले बने हैं, माजरत के साथ बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है हम तमाशबीन बने हैं चाहे हमारी हुकूमत, तो लिहाजा ये है कि मैं ये चाहूँगा हम लोगों को कोई इसको देखो, ये तो वो हो गया कि हम और तुम्हारे जैसे लोग जो कि सिविलियन लोग हैं और आम से लोग हैं हम तो बदबू दे सकते हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, कोई अमली कोई ऐसा नज़रिया सोच चाहे वो? मैं तो भाई एक बात ये बोलूँगा कि तकरीबन जितने कानून मिलते हैं और एक अपनी पॉलिसी बनाए, एक अपना वो करें कि भाई मुल्क अगर कोई जीता हुआ है या गरीब है तो वो करें और उसके आप मामला को देखें और करें, यानी यगानगियत इत्तफाक और इत्तेहाद ये तीन चीज़ें आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे और जोर देना चाहेंगे। चलें बहुत बहुत शुक्रिया सर, नवाज शरीफ और बिजनेस मैन और आप अपने बिजनेस के टाइम में से निकाल के हमें गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।